मॉर्निंग फ्रेंड्स, करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है 30th of November 2023, लास्ट डे ऑफ द मंथ नवंबर। आइए देखते हैं कि कल के दिन में डॉलर इंडेक्स एंड अदर करेंसी पेयर्स में कैसे बिहेव। डॉलर इंडेक्स कल के दिन में ये रिट्रेस बैक किया फ्रॉम 102.46 लेवल टू ए हाई ऑफ 103.00 एंड क्लोज एट 103.84। ये जो लेवल है, ये लेवल का स्पेशलिटी क्या है? अगर हम ये जुलाई से हम अगर ये लेवल दैट मीन्स अक्टूबर का हाई एंड लो, स्विंग हाई एंड लो का रिट्रेसमेंट को डालेंगे तो इट इज एट 61.8। So, it's a crucial level as far as the fifth retracement is concerned, जिसके कारण यहाँ पे थोड़ा सा टाइम पास होने का पॉसिबिलिटी है। RSI terms में डेली RSI below 40, so काफी weakness है। लेकिन देखने वाला बात है कि weekly RSI at 41.80, approaching 40. So 40 में आने के बाद यहाँ पे एक हल्का सा साइड सपोर्ट या कंसोलिडेशन इज एक्सपेक्टेड। वीकली टाइम फ्रेम में सपोर्ट, डेली टाइम फ्रेम में आपका सपोर्ट एट इंपॉर्टेंट स्विंग का 61% 61.8% रिट्रेसमेंट में लेवल। सो इस लेवल पे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा सपोर्ट ले सकते। डॉलर रूपी नथिंग न्यू, कंसोलिडेशन जारी है, सो वी नीड टू बियर विद दिस फेज। जब तक आपका फ्रस्ट्रेशंस का पीक नहीं आ जाते हैं, क्या फ्रस्ट्रेशंस? ट्रेडर्स आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, इसी लेवल पे कोई बड़ा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रहा है। सो ये फ्रस्ट्रेशंस पाइल अप हो रहे हैं एंड हमें इंतजार करना पड़ेगा। नथिंग बियर जीबीपी डॉलर, जीबीपी डॉलर जो है आपका करेंटली एट 1.2691 के कारण ये कहां पे डोजी बनाया हुआ है, एक इंपॉर्टेंट है आपका लेवल पे ये डोजी बनाया हुआ है। सो यहां अगर हम जुलाई से अक्टूबर का एक फिव रिट्रेसमेंट खींचेंगे, जो स्विंग है ये भी जस्ट 61.8% में आके रुका हुआ है। सो इट इज बिकम ए क्रूशियल लेवल। डॉलर इंडेक्स सपोर्टिंग जीबीपी डॉलर एट क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल, इसका मतलब क्या है? थोड़ा सा हमें यहाँ पर भी सिमिलर लाइन पे अगर क्विकली आरएसआई देखेंगे अप्रोचिंग 60, करंटली 59.03, दैट बीइंग द केस यहाँ पे थोड़ा सा टाइम पास हो सकता है। जीबीपी आईएनआर भी सिमिलरली एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल पे आके डोजी बनाया हुआ है, लेकिन इसका जो क्विकली आरएसआई है क्रॉस्ड अबोव 60, करंटली 62.15। सो यहाँ पे जो डॉलर में आप जीबीपी डॉलर में जो 60 का रेजिस्टेंस आरएसआई है, यहाँ पे आईएनआर बेस कर पेयर पे रेजिस्टेंस के तौर पे ऊपर चला गया। सो जीबीपी आईएनआर में एक बार अगर इस रेजिस्टेंस 106.05 से 106.30 का जो रेजिस्टेंस जोन है, इसको अगर एक बार तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं तो ये ऊपर जाने के लिए तैयार हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इमीडिएटली बाई कर लेंगे। यहाँ पे पुल बैक में बाइंग इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज अ वेरी गुड स्ट्रेटजी। यूरो डॉलर, यूरो डॉलर पे करेंटली आपका 1.0981, कल के दिन में एक नेगेटिव कैंडल बनाया हुआ है। सो इसका लोकेशन एक बार देख लेते हैं। ये लेकिन 61.8% के ऊपर जाके रेजिस्टेंस है।
दे रहा है, नॉट लाइक डॉलर इंडेक्स और जीबीडी। व्हाट नेक्स्ट में अगर हम देखेंगे, पहले आरएसआई वीकली अबव 60, करेंटली एट 60.75। सो ये जो रेजिस्टेंस है, अगर आज के दिन और कल के दिन थर्सडे फ्राइडे को अगर मेजर नेगेटिव प्रेशर नहीं आते हैं तो इट मे मूव हायर। वो मूव हायर में कैसे होगा? ये जो आपका कल का जो एक नेगेटिव कैंडल बनाया हुआ है, इसके हाई के ऊपर एक अपवर्ड मोमेंटम हमें मिल सकता है। सो हमें देखना पड़ेगा क्या आज के दिन या कल के दिन इस हाई के ऊपर सस्टेन कर पाते हैं या नहीं। यूरो आयनर सिमिलरली एक नेगेटिव कैंडल बनाया हुआ है एट आपका जस्ट अबोव द रेजिस्टेंस लेवल। कल के दिन में इट ट्रेडेड इन बिटवीन 191.80 एंड ट्रेडेड लो ऑफ 91.34। सो करीबन 50 पैसे का एक डाउनवर्ड मूवमेंट हमने देखे हैं। अभी कल का जो हाई है, इट बिकम्स एन इम्पोर्टेंट लेवल। इसके हाई के ऊपर अच्छा खासा अपवर्ड बायस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो इस करेंसी पेयर को 92.40 से 92.50 जोन में ले जा सकते हैं। उसके बाद हम नए सिरे से देखेंगे क्या प्राइस यहाँ पे टाइम पास करता है, कंसोलिडेट करता है, या ऊपर तोड़ के भाग जाते हैं, या नीचे के तरफ रिट्रेस करते हैं। डॉलर येन कल एक डोजी कैंडल फॉर्म हुआ है। ये जो डोजी कैंडल है आपका, ये प्रीवियस पिन बार के लो के नीचे है। सो इसका लोकेशन बिकम्स ए वेरी प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट। ऑल्सो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है। सो जैसे ही डोजी कल के डोजी कैंडल के लो के नीचे सस्टेन करेगा प्राइस, एंड सब्सिक्वेंटली इस ट्रेंड सपोर्ट ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा नीचे के तरफ, देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज कि डॉलर येन में एक डाउनवर्ड फर्दर प्रेशर हम देख सकते हैं। डेली आरएसआई बिलो 40, करेंटली 35। सो यहां पर भी एक नेगेटिव बायस एज फार एज द डेली पर्सपेक्टिव इज कंसर्न्ड। एंड वीकली में ये अबव 60 से बिलो 60 में आ चुका है, करेंटली 54.00। सो यहां पे आरएसआई वीकली आरएसआई 40 अप्रोच करने के लिए काफी रूम है। सो यहां पे अगर ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट को तोड़ के नीचे की तरफ जाते हैं आज या आने वाले दिनों में, इन सच ए केस डॉलर येन में एक अच्छा खासा रूम, डाउनवर्ड रूम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। येन आयनर में कल एक डोजी कैंडल बनाया हुआ है एंड इट ट्रेडेड इन बिटवीन 56.38 एंड 56.78। यहां पर भी 40 पैसे का एक रेंज बनाया हुआ है बट क्लोज्ड इन बिटवीन। So, ये जो डोजी इज बिकमिंग ए इम्पोर्टेंट, डोजी का नथिंग ग्रेट रिलेवेंस इज देयर। इसका मतलब है पॉज, हाई के ऊपर कंटिन्यूएशन, लो के नीचे रिट्रेसमेंट। सो अभी कल के हाई के ऊपर एक अच्छा खासा अपवर्ड बायस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वीकली एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कैंडल अंडर फॉर्मेशन से। सो यहाँ पे भी इसके पर्सपेक्टिव से भी अगर आज के दिन कल के हाई 29 नवंबर के हाई के ऊपर सस्टेन कर जाते, इन सच केस एक अच्छा खासा अपवर्ड बायस हम यहां पे देख सकते हैं। डॉलर कैंडी में भी कल एक पॉज कैंडल बनाया हुआ है। अगर हम एक फिफ्थ रिट्रेसमेंट का देख लेते हैं, ये भी डॉलर कैंडी, ये जो स्विंग है सितंबर टू नवंबर का, ये स्विंग का 61.8% पे आके रुका हुआ है। दैट बीइंग द केस, ये भी एक इम्पोर्टेंट लेवल बन चुका है। अभी देखना है, कल के दिन में एक डोजी कैंडल बनाया हुआ है एंड इट ट्रेडेड इन बिटवीन 1.3615 एंड 1.3541। अभी इस डोजी इटसेल्फ इज टेलिंग दैट एक पॉज है। फिर रिट्रेसमेंट्स एट 61.8% इज अ इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन। तो जब तक कल के डोजी के नीचे
स्ट्रॉन्ग क्लोज नहीं दे देते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑसी डॉलर 0.6626 करेंटली। कल के दिन में इट ट्रेडेड हाई ऑफ योर 6676 ऑन द हायर साइड एंड लो ऑफ 0.6605। ये एक बुल रन के बाद एक नेगेटिव कैंडल इज वेलकम। वेलकम का मतलब क्या है? इस नेगेटिव कैंडल के हाई के ऊपर दोबारा ये अपना अपवर्ड थ्रस्ट कंटिन्यू करेगा। वीकली आरएसआई एट 55.30। सो यहां पर भी ऊपर जाने के लिए 60 में अप्रोच करने के लिए एक रूम है ये। सो इमीडिएटली आरएसआई पर्सपेक्टिव में वीकली आरएसआई में कोई इमीडिएट रेजिस्टेंस नहीं है, एक लेग रूम है, जिसके कारण डेली पर्सपेक्टिव में कल के हाई के ऊपर हमारा जो टारगेट है, कौन सा टारगेट है, 0.6725 से 0.68 का एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है, उस लेवल पे जाने के लिए हायर प्रोबेबिलिटीज। इसके कारण हमें अभी इंतजार करना है 29th नवंबर का हाई 0.6676 के ऊपर थोड़ा सा सस्टेन कर जाए। और डॉलर सीएनएच एक इंपॉर्टेंट लेवल पे एक पिन बार बनाया हुआ है। ये पिन बार मींस एक सपोर्ट लेवल का इंडिकेशंस कर रहे हैं। व्हाट इट मींस, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे थोड़ा सा एक डिफेंसिव वे में करेंसी अप्रोच कर सकते हैं। सो अभी हमें देखना है यहाँ पे क्या कंसोलिडेट करके फिर दोबारा नीचे की तरफ डाउनवर्ड प्रेशर देते हैं या कंसोलिडेट करने के बाद कंसोलिडेशन जोन के ऊपर सस्टेन क्या होगा, इसके ऊपर नियर फ्यूचर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ब्रेंट क्रूड फ्यूचर कल एक अच्छा खासा मींस स्ट्रॉन्ग कैंडल देखा हुआ है जो आपका आरएसआई 40 में सपोर्ट लेके ऊपर जाने का प्रयास करे। सो यहाँ पे एक रेंज शिफ्ट का प्रोबेबिलिटीज है एंड वीकली प्राइस एक्शन के हिसाब से एक पॉजिटिव कैंडल अंडर फॉर्मेशन है, हालांकि आज और कल दो दिन बाकी है। सो ये अगर मान लेते हैं कि कल तक यानी वीकेंड तक ये एक स्ट्रॉन्ग बायर पॉजिटिव कैंडल बन जाते हैं, इन सच ए केस नेक्स्ट वीक में एक अपवर्ड बायस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो आपका पहले 84-84.30 का एक रेजिस्टेंस हो सकता है एंड एक बार उसको ब्रेक आउट करते हैं ऊपर की तरफ देन आने वाले दिनों में इट में मूव टुवर्ड्स 87। लेकिन उसके लिए पहले 84-84.30 का जो हर्डल्स उसको ब्रेक आउट करना पड़ेगा। पहले वीकली क्लोज उसके बाद नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स क्या होते हैं उसको हमें देखना है। यूएस 10-ईयर ट्रेजरी अच्छा खासा आपका वीक हो चुका है करेंटली 4.25। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे आके रुका हुआ है कहां पे 4.23। आज या कल हमें देखना है क्या इस सपोर्ट लेवल को रिस्पेक्ट करते हैं या फर्दर नीचे की तरफ चले जाते हैं। अगर फर्दर ये नीचे की तरफ चले जाते हैं इन सच केस ये हमारा नेक्स्ट सपोर्ट लेवल बन सकते हैं। सो यहाँ पे अच्छा खासा एक बायस है मींस पहले इसको तोड़ना है देन नीचे की तरफ 4.05 से 4.09 के बीच में इमीडिएट एक सपोर्ट लेवल हो सकता है। अभी सबसे खतरनाक जो मींस सेल ऑफ देखा गया वो है 2 ईयर ट्रेजरी में करेंटली 4.64। ये आपका कल परसों तीन बैक टू बैक तीन दिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल्स बनाए हुए हैं। करेंटली कहाँ पे आके रुके हुए हैं ये है आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल जो आपका 4.61 से 4.63। सो आज के दिन में क्या आज या फ्राइडे के दिन में क्या यहाँ पे सपोर्ट लेके थोड़ा सा कंसोलिडेट करने का प्रयास कर सकते हैं या नहीं ये हमें देखना पड़ेगा। करेंसी वीकली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आप डेफिनेटली अच्छा लगा होगा। इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए अमंग योर फ्रेंड्स। दोज़ हू हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल, ए जेंटल रिमाइंडर टू सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।